डोंगर गांव से लगे ग्राम जामसरार में पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष वैष्णव के फार्म हाउस पर बारूद ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष वैष्णव के फार्म हाउस में ब्लास्ट हो गया। वहां काम करने वाले कर्मचारी की ब्लास्ट की चपेट में आने से मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि युवक के शरीर के चिथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी गूंज आधा किलोमीटर तक सुनाई दी। साथ ही धमाके वाली जगह पे लगभग 3 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया है। डोंगर गांव से 6 किलोमीटर दूर ग्राम जामसरार कला में संतोष वैष्णव का फार्म हाउस है। उसके फार्म हाउस में नरेश गोटी नाम का मजदूर, जो ग्राम मनेरी का रहने वाला है, काम करता है। वह प्रतिदिन सुबह आकर बोर को चालू करता रहा। आज भी प्रतिदिन की तरह वह आया और बोर चालू करने गया। उसके पहले टंकी मूद हो रहे मिलोराम यादव से मिला। उससे मिलने के बाद में आकर जैसे ही बोर चालू किया, वैसे ही ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद वह दूर फिका गया और घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल मौके पर FSL की टीम दुर्ग से, क्राइम ब्रांच की टीम राजनांदगांव से और थाना प्रभारी डोंगरगांव और बाकी स्टाफ आकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।